हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, मैं हूं इस समय ईएमआरएस की वेबसाइट पर और एक अपडेट निकल कर आ रही है। जो भी आपका ईएमआरएस के तहत न्यूली जो ज्वाइंट कैंडिडेट थे उनके जो एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे और उनका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो चुका था, ठीक है। 18 जून को उनको सिलेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोविजनल कैंडिडेटचर दे दिया था और इसके अलावा उनको ज्वाइनिंग लेटर भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए, जो उनकी सैलरी मिलेगी जो भी न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी प्रोसेसिंग फॉर न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट इन ईएमआरएस, और एक आपका ऊपर भी है कि सैलरी प्रोसेसिंग पोर्टल असिस्टेंट। ये क्या चीज़ है और अगर आपका ईएमआरएस में सिलेक्शन हुआ तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भविष्य में यदि आपका ईएमआरएस की पोस्ट आने वाली है बहुत ज़्यादा तो जब आप अपॉइंट होंगे तो ये चीज़ जो है आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें एक नोटिस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट सैलरी प्रोसेसिंग फॉर न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट्स इन ईएमआरएस। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंट देयर ड्यूटीज इन ईएमआरएस आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट इन ऑर्डर टू प्रोसेस द सैलरी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द नेसेसरी स्टेप्स थ्रू द फॉलोइंग लिंक। यानी कि अगर आपने अगर इस साल आपका जो न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट है जिन्हें भी उन्होंने आपका ईएमआरएस ज्वाइन कर लिया है तो उनको आपको सैलरी जो है आपके अकाउंट्स में लेने के लिए कुछ एक यहाँ पर एक ये लोग नया सिस्टम लेके आए हैं तो उसके लिए इन्होंने एक लिंक दी है। उस लिंक पर आपको कुछ स्टेप्स करने, क्या स्टेप्स करने, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और क्या चीज़ ये लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको जो ये वाली पर्पल कलर की दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक एक्सटर्नल लिंक पर, यहाँ पर एक्सटर्नल जो लिंक है वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, किस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा स्कूल आपको मिला हुआ है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर और गेट ओटीपी करके जो भी फर्दर प्रोसेस इसमें रहने वाली है वो आपको यहाँ पर कर लेनी है, ओके। चलिए, ये इतना कर लेंगे और उसमें जो भी स्टेप बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ये लिखे हैं कि प्लीज इंश्योर टू कंप्लीट दिस प्रोसेस एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड एनी डिलेज इन सैलरी डिसबर्समेंट। यानी कि आपका सैलरी में कोई भी डिले ना हो। अगर आप न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, 1 मंथ हो गया है आपको या 2 मंथ हो गए हैं, तो अगर आपको सैलरी में कोई डिले नहीं चाहिए तो आप इस स्टेप को अपना लीजिए। इन्होंने एक न्यू जो सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं HRMS सिस्टम, जो कि रेलवे या जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो डाटा होता है, जो भी आपका एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं, सारा उनका सर्टिफिकेट वगैरह, सारा बायोडाटा होता है, सारा सैलरी का सब कुछ इसी में चलता है। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मेरी भी जो सैलरी आती है वो HRMS के थ्रू आती है, ये सारा कुछ चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो ऑनलाइन आपका कुछ, आपको कोई भी इन हैंड सैलरी वगैरह या अकाउंट में जो सैलरी देते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आप HRMS में आपकी जो IDs वगैरह वो बनाइए और यहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है। चलिए, इसका जो सेकेंड हमें देखने को मिलता है नोटिस, उस वो देखने को मिलता है आज की डेट में 16 तारीख में। इसको हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 16 जुलाई का ये है कि सैलरी प्रोसेसिंग पोर्टल असिस्टेंट नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ HRMS स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, HRMS के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लिखे हैं टू इंश्योर अ स्मूथ ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज, इनके एम्प्लॉय जो हैं उनके स्मूथ सेलेक्शंस के लिए। एन ईमेल आईडी फॉर असिस्टेंस हैज़ बीन क्रिएटेड इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस कंप्लेंट्स अदर देन चांस इन मोबाइल नंबर, अदर देन चेंज इन मोबाइल नंबर द कंसर्न एम्प्लॉयज मे कॉन्टैक्ट द ईमेल मेंशन बिलो, ठीक है। तो ईमेल आईडी चेंज करना है या कोई भी चीज़ करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ईमेल आईडी के लिए सपोर्ट आपको ये दे रखा है, ठीक है। और फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर प्लीज़ कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी। अगर आपका जिस स्टेट में हुआ है उस सोसाइटी को आप जो है कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको फ़ोन नंबर में चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली गई हैं, वाइल कॉन्टैक्टिंग फॉर असिस्टेंस प्लीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिजॉल्विंग योर कंसर्न्स इफेक्टिवली। सब्जेक्ट शुड हैव योर यूनिक आईडी, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू यू आर एक्सपीरियंसिंग, स्क्रीनशॉट ऑफ द इशू इफ पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है
कि जो भी न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर न्यू कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं तो उनकी जो सैलरी में डिले ना हो और उनकी जो सैलरी है ऑनलाइन तरीके से एचआरएमएस के थ्रू दी जाएगी। उनका जो भी बायोडाटा वगैरह है, जो भी उनकी डिटेल है, जो भी एम्प्लॉय जो ज्वाइन हुआ है उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपकी एचआरएमएस पे डाल दी जाएगी और यहीं से आपकी सैलरी वगैरह, आपकी लीव वगैरह जो भी है, आपकी छुट्टी वगैरह सब सारा कुछ आपको एचआरएमएस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए नया ईएमआरएस के द्वारा लाया गया है, तो इसको फॉलो करिएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ईएमआरएस डालकर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देख लेना और जो फॉलोइंग स्टेप्स ने इन्होंने करने को बोला वो देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।